आपने कई बार देखा होगा कि 3:30 पे जो प्राइस क्लोजिंग का होता है स्टॉक का, वो कुछ और होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और जो क्लोजिंग प्राइस निकल के आता है वो एक्चुअल में वो कुछ और आता है। जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल आप देख रहे हो या सन फार्म का एग्जांपल आप देख रहे हो, ऐसा क्यों है कि अलग प्राइस है, उसका रीजन क्या है? जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, वो लास्ट आधे घंटे का वेटेड एवरेज प्राइस होता है, ना कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम किसी भी कॉल या पुट की वैल्यू रहती है एक्सपायरी वाले दिन के बावजूद भी, जो कि फंडामेंटली गलत है। वो एक्चुअली में फंडामेंटली गलत नहीं है, जब पोस्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग आती है तो वो अलग निकल के आती है। तो जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है उसी को जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। और अगर इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।